फिल्म स्टार साइमा की जिंदगी में ऐसा कौन सा पछतावा है जो उन्हें हर लम्हा गंभीर सोचों में उलझाए रखता है। कहने वाले तो कहते हैं कि सैयद नूर से शादी के बाद वो साइमा से साइमा नूर तो बन गई, लेकिन ना तो वो नूर फैमिली का हिस्सा बन सकी और ना ही वो ऊंचा मकाम हासिल कर सकी जो सैयद नूर की चार बच्चों की माँ रुखसाना नूर ने अपनी बेलौस मोहब्बत और वफा से हासिल किया था। तो क्या यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है या ये कि रुखसाना नूर उनकी वजह से दुनिया ही छोड़ गई। जिंदगी के 50 बहारे देख लेने के बावजूद फिल्म स्टार साइमा आज भी हसीन लगती है। दराज कद, शफाफ रंगत, पुरकशिश सरापा, फिल्म हो या टीवी, लॉलीवुड की ये वाहिद एक्ट्रेस हैं जो आज भी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस हैं। लेकिन मूडी इतनी के हामी ही नहीं भरती। यही वजह है कि 3 दहाइयों पर फैले अपने कैरियर में उन्होंने गिनती ही की फिल्में या ड्रामे किए हैं। अलबत्ता उनके मद्दे मुकाबिल सुल्तान राही से सरमा सुल्तान तक कई लीडिंग एक्ट्रेस रहे हैं। पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस साइमा अब कुछ अरसे से खुद को साइमा नूर कहलवाने लगी हैं। साइमा से साइमा नूर तक की कहानी बज़ाहिर बड़ी आम सी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कई दूसरी अदाकारों की तरह साइमा को भी एक्टिंग का शौक मुल्तान से लाहौर ले आया। वो खुद को खाकवानी फैमिली से बताती हैं। लाहौर उनकी पूरी फैमिली ही शिफ्ट हुई थी जो हमेशा साइमा के साथ ही रही। उस दौर की साइमा आज की साइमा नूर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये नहीं कि पहले वो बहुत सोशलाइजिंग किया करती थी, लोगों से जल्दी घुल मिल जाया करती थी या गॉसिप्स की शौकीन थी, मगर आप इन्हें इतनी गुमसुम और बैक स्टेज पर्सन भी नहीं कह सकते थे। ये वो जमाना था जब लाहौर के स्टेज पर एक खातून नगीना खानम का बहुत चर्चा था। नगीना ने ही साइमा जैसी नगीने को शोबिस की दुनिया में मुतारिफ करवाया। साइमा की लगन सच्ची थी या स्टार्टअप उनकी किस्मत में था कि पंजाबी फिल्मों की क्वीन अंजुमन शादी के बाद फिल्म नगर से रुखसत हुई और फिल्म मेकर को साइमा की शक्ल में अंजुमन का मुतबादिल मिल गया। सुल्तान राही की नागहानी मौत से पहले तक साइमा पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गई। ताहम सुल्तान राही के बाद जहां पंजाबी फिल्मों का चढ़ता सूरज गहना गया, वहीं उनसे जुड़े कई फनकारों का मुस्तकबिल भी सवालिया निशान बन गया। इन्हीं फनकारों में से एक साइमा भी थी जिन्हें फिल्में तो मिल रही थी लेकिन कैरियर डूब रहा था। यही वो वक्त था जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर जैसे स्टार मेकर की नजरों ने साइमा के अंदर छुपी फनकारा की सलाहियतों को भाप लिया। उर्दू फिल्में साइमा की फिल्मी कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सैयद नूर को अगर साइमा का मेंटोर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये इन्हीं की नजर करम थी के जिसने स्टार को सुपर स्टार बना दिया। 1998 में रिलीज होने वाली सुपर हिट फिल्म चूड़िया के बाद तो साइमा जैसे फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगी। सैयद नूर साइमा के बगैर फिल्म ही साइन ना करते थे। साइमा के अलावा अगर किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन करना मजबूरी बन जाता तो भी पर्दे पर सिर्फ साइमा ही साइमा नजर आती। बल्कि उस दौर की एक्ट्रेसेस तो आज भी गिला करती हैं कि सैयद नूर को साइमा के अलावा कोई दिखा ही नहीं देता था। और ये सच है कि जब सैयद नूर ने अपनी बाहया बीवी रुखसाना नूर और चार बच्चों की मां की परवाह ना करते हुए साइमा को बतौर अपनी बीवी अपनाया तो ये साबित हो गया कि वो साइमा की मोहब्बत में वाकई अंधे हो चुके हैं। सच तो यह है कि रुखसाना नूर उसी रोज मर गई थी जिस रोज सैयद नूर ने साइमा से शादी का फैसला किया था। वो इस हादसे के बाद भी 10 बरस जिस्मानी तौर पर जिंदा रही और फिर कैंसर के हाथों इस जहाने फानी से कूच कर गई। बज़ाहिर रोजमर्रा जिंदगी में मर्द या औरत की दूसरी या तीसरी शादी कोई बड़ी खबर नहीं। लॉलीवुड क्या बॉलीवुड, और हॉलीवुड में भी ऐसी बेशुमार एक्ट्रेसेस हैं जो राइटर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की दूसरी और तीसरी बीवी बनकर फख्र महसूस करती हैं। ऐसी शादियां आमतौर पर खुफिया नहीं होती। ताहम साइमा और सैयद नूर की शादी 2007 में हुई। इब्तदा में उसे सैयद नूर की ईमा पर खुफिया रखा गया, लेकिन साइमा के दबाव की वजह से उसे जल्द जाहिर करना पड़ा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सैयद नूर की मजाजन ने वही तारीख लॉलीवुड में दोहराई जिसमें शाजी यानी फिल्म स्टार शान एक गाने वाली साइमा के चक्कर में अपनी वफाशार बीवी मदिया शाह को बुला बैठते हैं। ये साइमा और सैयद नूर की मुश्तरका प्रोडक्शन थी और कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों ने बाकायदा शादी कर ली थी। उर्दू फिल्मों में साइमा की मकबूलियत बढ़ने लगी तो टीवी प्रोड्यूसर्स का भी तांता बन गया। कनीज, लम्हे
और मुबारक हो बेटी हुई है साइमा के चंद यादगार ड्रामों में से हैं। पाकिस्तानी शोबिस में साइमा ही वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुद से छोटे कई हीरोज के साथ काम किया, शान, मोहम्मद राना, फैसल कुरैशी, सऊद और सरमद खुसर। ये सब साइमा से छोटे हैं मगर साइमा ने हर एक के साथ अपने किरदार को बड़ी महारत से निभाया है। आजकल वो टीवी और फिल्म दोनों में बहुत कम नजर आ रही है। बहरहाल देखा जाए तो साइमा ने शोहरत भी कमाई और पैसा भी, अपने मनपसंद बंदे से शादी भी रचा ली, यानी घाटे का सौदा कहीं नहीं किया। लेकिन साइमा के करीब रहने वाले जानते हैं कि सब कुछ पाने के बावजूद वो अधूरी लगती है और शायद इसीलिए मोड़ी भी है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कहीं कोई गिल्ट, कोई बात ऐसी जरूर है जो उन्हें उलझाए रखती है। कुछ लोग समझते हैं शायद उन्हें रुखसाना नूर का घर बर्बाद करने का पछतावा हो जो उनकी वफात से मजीद गहरा हो गया है, और शायद उन्हें इस बात का भी पछतावा है कि वो सैयद नूर से शादी के बाद साइमा नूर तो बन गई लेकिन नूर फैमिली का हिस्सा ना बन सकी, क्योंकि इन्हें सैयद नूर के बेटे और बेटियों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।